प्रकार मुख्यमंत्री साहब का आज बयान आया है और वो कह रहे हैं कि यहाँ से धरना स्थल से खत्म करके आप घर चले जाओ, क्योंकि अगर हम इसी भर्ती में पद बढ़ाते हैं तो नए अभ्यर्थियों का क्या होगा, उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो तैयारी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो वही अभ्यर्थी है, वो हम ही अभ्यर्थी है, वो वही 25 लाख अभ्यर्थी है जिन्होंने फॉर्म भरे। नए कहाँ से अभ्यर्थी आ जाएंगे जब आपने बीएड सेकंड ईयर बीएसटीसी सेकंड ईयर वालों को शामिल कर ही लिया है? तो कौन सा 3 महीने में आप नया एग्जाम करवा दोगे, कौन सा आपने डिग्री बनवा दोगे? तो मैं कहना चाहूंगा सर, यही बेरोजगार है, यही 25 लाख है, इनको आप जॉब दो। जब आपको जॉब देनी है तो आप नई भर्ती निकाल क्यों रहे हो? इसी भर्ती में पद बढ़ाओ। आपको रोजगार देना है तो नई भर्ती की जरूरत नहीं हमें, इसमें आपको योग्य अभ्यर्थी बन रहे हैं। 85% और 83% वाला अपने आपको सेफ नहीं समझ रहा है सर। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप ये बातें करके हमें तोड़ने की कोशिश मत करिए। हम लगातार संघर्ष जारी रखेंगे, हमारा धरना बिल्कुल खत्म नहीं होगा। हम यहाँ पर डटे रहेंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हम शहीद स्मारक पर रुके रहेंगे सर।